केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा से 5 लोगों का चयन किया गया है। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वालों में प्रदेश के टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, यमुनानगर के सामाजिक कार्यकर्ता ओपी गांधी, करनाल स्थित NDRI के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मदान और कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर शामिल हैं। वहीं प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित हुए व्यक्तियों ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया। और आगे विशेष प्रोत्साहन मिला है, मुझे भी मिला है, मेरे साथियों को मिला, कि जो हजारों लोगों के सहयोग से ये प्रयास से इतना बड़ा काम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हुआ है, उसको सरकार ने मान्यता दी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और उन हजारों जो हमारे सहयोगी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई उनको। अच्छा लगा है ये अवार्ड मिलकर, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर, मेरे लिए बहुत एक सम्मान की बात है और मेरे विषय पर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई है और इस अवार्ड मिलने से मुझे और इंस्पिरेशन मिली है आगे और अच्छा काम करने के लिए और मैं आभारी हूँ कि मेरे काम पर विश्वास जताया गया है देश में, सरकार में। आज का दिन है, एक मुबारक दिन है कि जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ देखता हूँ कि जो हमारी इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ हैं और प्रोत्साहित किया जाता है एक साइंटिस्ट को, ये एक बड़ी शुभ ओकेजन है जो हमारे देश के लिए है। और उसके साथ साथ मैं आज के दिन मैं अपने आप को देखते हुए समझता हूँ कि ये एक व्यक्ति नहीं होता है जो किसी अवार्ड के लिए होता है, एटलीस्ट हमारे लिए ये अवार्ड एक कम्युनिटी के लिए है, वो सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी जो मेरे साथ रही है।